मॉर्निंग क्लास सेवन स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास सेवन साइंस का चैप्टर टू न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को डिस्क्राइब कर रही हूँ या उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रीवियस क्लास में अपन ने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। डाइजेशन वो होता है जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का सिंपल कंपाउंड में टूटना, उसे अपन क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वे में जो एनिमल्स होते हैं वो फूड को टेक करते हैं, लेते हैं, वो टेकिंग करने को इंजेशन कहते हैं। अब डाइजेशन क्या होता है अपन, मतलब अब ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ना है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ह्यूमन बींग का। ह्यूमन बींग के अंदर क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं जिसके थ्रू वो क्या करता है, डाइजेशन करता है। जैसे कि अपन जो रहता है माउथ, अपन किसके थ्रू माउथ खाना खाते हैं, अपने माउथ के, अपने माउथ में खाना अपन इंटेक करते हैं। इसके बाद ये जो फूड होता है, फिर जो फूड रहता है वो आगे कहाँ जाता है, ठीक है ना। अपन ने खाना तो यहाँ पे ले लिया, इसके बाद आगे जो खाना कहाँ जाता है, ये अपनी क्या रहती है, फूड कैनल। ये इस तरीके से ये क्या है, अपनी फूड कैनल। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी बुक के पेज नंबर पे जाएंगे तो आपको ये कैनल दिखेगी, ठीक है। फूड कैनल में जाता है, ठीक है। ये फूड क्या होता है, कंटिन्यूस कैनल में पास होता रहता है, बक्कल कैविटी। ये क्या होगी, बक्कल कैविटी, ऊपर वाली चीज को अपन क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ होता है इसका, एनस पे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है बक्कल कैविटी और एंड कहाँ पे होगा इसका, एनस पे, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। अभी जो कैनल है कितने भागों में डिवाइड होती है, ये जो मैंने आपको लिखी है कैनल, कितने भागों में डिवाइड होती है, पांच भागों में। मतलब वो इतना लंबा सफर करके लास्ट में एनस में जाता है, फिर अपन कहते हैं कि डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई या पूरी हो गई। ये देखो कैनल, बक्कल कैविटी, कैनल से फूड बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से ईसोफेगस, ईसोफेगस कहाँ है अपना, ये जो नली इसको बक्कल कैविटी, ये ईसोफेगस, ये जो अपनी नली इसको ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में ये स्टमक, यहाँ पे देता साइड में स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, अंदर की तरफ है स्मॉल और बाहर की तरफ है लार्ज, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम, रेक्टम से होता हुआ एनस, ठीक है। तो अपना जो फूड है, एक तरीके से कैनल चार पार्ट में डिवाइड होती है, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और फिर एनस, ठीक है। ये वाली चीजों में अपना जो फूड होता है यहाँ पे आता है, फिर ईसोफेगस में आता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ से स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल में, स्मॉल से लार्ज में, लार्ज से रेक्टम में, रेक्टम से एनस में, और ये पूरा अपना फूड का डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। और जो फूड कंपोनेंट होगा वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डाइजेस्ट होगा, वो इस तरीके से वेरियस कंपार्टमेंट में होता हुआ वो कहाँ जाएगा, लास्ट में एनस में जाएगा। स्टमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, अपना स्टमक हो गया और ये अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, वो क्या करते हैं, सेलाइवरी ग्लैंड और लीवर, पेंक्रियास से जूस। अब इसमें जो लीवर हो गया वो और पेंक्रियास, ये क्या करता है, सेलाइवरी ग्लैंड, इसमें तीन चीज होगी, सेलाइवरी कहाँ पाई जाती है, माउथ में, लीवर और पेंक्रियास आपको दिख रहे हैं, लीवर है, पेंक्रियास ये है। तो ये क्या करते हैं, कुछ जूस सीक्रेट करते हैं जिसके कारण डाइजेस्टिव जो जूस रहता है, जूस मतलब कोई सा पदार्थ सीक्रेट करते हैं, जिससे जो फूड रहता है वो क्या हो जाता रहता है, सिंपल वे में टूट जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल वे में टूट जाता है, और इस तरीके से अपना डाइजेस्टिव आगे आगे बढ़ता जाता है। अगर गीला होगा, थोड़ा सा नरम होगा, तभी जाके फूड क्या होता है, आगे खिस सकता है। अगर सकड़ा सूखा रहेगा तो फूड क्या आगे खसकेगा या नहीं खसकेगा, ये कुछ ना कुछ जूस सीक्रेट करते रहते हैं, जिससे ये जो खाना है थोड़ा सा गीला होता रहता है और आगे की तरफ बढ़ता रहता है, लास्ट में कहाँ चला जाएगा, एनस में। तो आज
के लिए इतना ही। डाइजेस्टिव सिस्टम अपना कल अपन एक एक पोर्शन इसका पढ़ेंगे कि लीवर क्या करता है, पेनक्रियास क्या करता है। आपको समराइज कर देती हूँ, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ऊपर की तरफ माउथ है, माउथ के बाद वो केनल में जाता है, केनल से फिर चार भागों में डिवाइड होता है। केनल इसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। बक्कल कैविटी इसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम फिर एनस, सुदूबक्कल कैविटी से होता है लास्ट एनस में जाता है। और इसके बाद जो अपना लीवर है, पैनक्रियाज है, सेलाइवरी ग्लैंड है, अपना माउथ कभी सूखा रहता है क्या नहीं रहता, उससे थोड़ा सा लसलसा गीला रहता है, वो फूड को आगे स्लीपर वे में खसकाता रहता है और लास्ट में वो एनस में जाके उसका एनस। इस पूरी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं और फूड को अंदर लेने की क्रिया को इंजेशन कहते हैं। कल अपन माउथ लीवर पैनक्रियाज सबका क्या रोल है वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए।